हाय, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, मैं हूँ पूनम तोमर। मैं आपका अपने चैनल में नई वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, सुबह के बजे हैं 7 और मैंने सुबह की झाड़ू लगा दी है, चाय वगैरह सब हो गई है, मॉर्निंग वॉक भी हो गया है। दो दिन से जा नहीं पा रही थी क्योंकि सुबह के टाइम मिलती थी बारिश, और मैं मॉर्निंग वॉक करके आ गई हूँ और झाड़ू भी लगा दी है। तो अभी बनाऊंगी ब्रेकफास्ट और सोचती हूँ कि ब्रेकफास्ट की वीडियो आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें और देखें कि मैं ब्रेकफास्ट में नाश्ते में क्या बनाने वाली हूँ, क्योंकि सभी लोग जाएंगे, क्योंकि बच्चे भी जाते हैं 8 बजे। तो 8 बजे से पहले मुझे ब्रेकफास्ट भी देना होता है। छोटा बेटा लंच में भी वही लेके जाता है जो मैं ब्रेकफास्ट में बनाती हूँ। तो कर लेती हूँ काम की शुरुआत। तो आप वीडियो में बने रहें, और जो लोग मेरे वीडियो में नए आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें। दिखाती हूँ कि ब्रेकफास्ट में क्या बनाने वाली हूँ, तो प्लीज प्लीज वीडियो में बने रहें और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें। करती हूँ काम की शुरुआत। और हाँ, आप बताएं कि आपको कौन सा ब्रेकफास्ट अच्छा लगा। तो चलते हैं, बना लेते हैं ब्रेकफास्ट। तो गाइज, आज मैंने बनाया है 2 तरह का नाश्ता है। तो ये बनाना शेक, चने मुनक्के, किशमिश, गले हुए हैं मूंग, और ये है दूसरा नाश्ता। तो उसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिए है प्याज, प्याज को कट कर लिया है, कुछ जवे लिए हैं, 1 शिमला मिर्ची, 1 बड़ा टमाटर और 2-3 हरी मिर्ची, और यह है सफल मटर और कुछ मसाले। उसके बाद कढ़ाई को रख लिया है, कढ़ाई में डाल दिया है सरसों का तेल। जब तेल गर्म हो चुका है, मैंने उसमें डाल दिया है जीरा और हींग। इन दोनों को फ्राई होने के बाद मैंने इसमें प्याज डाल दिया है। अभी प्याज को फ्राई करूंगी, प्याज जल्दी से फ्राई हो जाए उसके लिए मैं नमक डालूंगी। तो यहाँ पर प्याज हल्की सी फ्राई हो चुकी है, और अभी मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल दूंगी जिससे प्याज जल्दी से सॉफ्ट होकर जल्दी फ्राई हो जाएगी। प्याज को बहुत ज़्यादा फ्राई मैं नहीं करूँगी और ट्रांसपेरेंट कलर होने तक ही फ्राई करूँगी। यहाँ पर जब प्याज हमारी फ्राई हो गई है तो मैंने इसमें डाल दिया है टमाटर और शिमला मिर्ची जो मैंने कट की थी। इनको भी हल्का सा सॉफ्ट होने तक मैंने फ्राई कर लिया है, और उसके बाद मैंने डाल दी है इसमें मसाले। मसाले में डाला है मैंने हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर, धनिया पाउडर, सब्जी मसाला। मिर्ची आप अपने स्वाद के अनुसार डाल सकते हैं, और जबे में मैं हल्दी का इस्तेमाल भी कम ही करती हूँ। तो यहाँ पर मैंने सारी मसालों को अच्छे से फ्राई करने के बाद ये ले ली है मटर। इसको मैंने पहले ही पानी में गला कर रख लिया था 1/2 घंटे पहले, और मैंने मटर को भी इनके साथ मिक्स कर दिया है। मटर के साथ मसालों को 2 मिनट तक ऐसे चलाती रहूँगी जिससे हमारी मटर और टमाटर सब सॉफ्ट हो जाएंगे। यहाँ पर मसाले फ्राई हो चुके हैं, टमाटर और मटर सॉफ्ट हो गई है। उसके बाद मैंने ले लिया है पानी। पानी मैंने डाल दिया है, और पानी को मैं बॉईल आने तक वेट करूँगी। अभी डाल देती हूँ नमक, क्योंकि मैंने प्याज में थोड़ा सा नमक डाला था, और जब ये ज़्यादा बनाने हैं तो मुझे नमक की ज़रूरत है। यहाँ पर मैंने नमक डाल दिया है, इतने पानी बॉईल होगा। मैंने ये जवे ले लिए हैं, और इनको मैं वॉश कर लूँगी 2 बार। और आपको जवे घर पर तोड़ना सीखना है तो मेरे चैनल पर वीडियो है ऑलरेडी कि घर पर जवे किस तरह से तोड़े जाते हैं। यहाँ पर पानी में उबाल आ चुका है, और आप देख सकते हैं अभी जो मैंने जवे वॉश करके रखे हुए हैं इनको इसी में ऐड कर दूँगी, और अच्छे से चला कर मिक्स कर दूँगी जिससे हमारे जवे इकट्ठे ना हों, एक जगह इनकी गुठली जैसी ना बने। आप देख सकते हैं सब्जियों के साथ मैंने जवों को अच्छे से मिक्स कर दिया है। आप देख सकते हैं मैंने कितना पानी डाला है, जवे पूरे डूबे हुए हैं, क्योंकि जवे मैदा के होते हैं तो थोड़ा पानी एक्स्ट्रा ही डालना पड़ता है जवों में। उसके बाद मैंने यहाँ पर 4 बनाना को कट कर लिया है, 1/2 लीटर दूध ले लिया है, और इसमें डाल दूँगी 4 चम्मच चीनी, क्योंकि केले भी कुछ मीठे होते हैं, और कच्चा दूध इसमें मैं इस्तेमाल करूँगी। तो यहाँ पर मैंने इसका एक पेस्ट बना लिया है, उसके बाद इसमें दूध डाल दिया है, और इसको 2 मिनट चलाकर बनाना शेक बनके हो गया है तैयार। केले मीठे होते हैं इसलिए मैंने यहाँ पर 4 चम्मच चीनी डाली है, और लगभग ये 4 चम्मच ही बनके तैयार हुआ। तो एक ब्रेकफास्ट हो गया है तैयार, चने मुनक्के बादाम जो मैं गलाती हूँ, मूँग वगैरह, और बनाना शेक। और यहाँ पर जवे में भी उबाल आने लगा है, लेकिन अभी ये बने नहीं। आप देख सकते हैं इनमें भी पानी है। वैसे मैदा के होते हैं तो बहुत फूलते हैं, इसलिए पानी ज़्यादा चाहिए होता है। तो यहाँ पर ये बड़ा बेटा कर रहा है नाश्ता, जो चने मुनक्के बादाम वगैरह गलाती हूँ और बनाना शेक। इधर जवे बनने ही वाले हैं कि मैंने एक ले लिया है मैगी मसाला का पैकेट, और उसको जवे में मिक्स कर दिया है, इससे जवों का टेस्ट 2 गुना हो जाता है। और यहाँ पर हमारे जवे बन के हो गए हैं तैयार, तो मैं एक प्लेट में डाल देती हूँ जिससे ये ठंडे हो जाएंगे। मेरा छोटा बेटा लेकर जाता है
लंच, और यह है दही। तो ये थे मेरे दो प्रकार के आज का ब्रेकफास्ट, दही के साथ जवे पसंद करेंगे या बनाना शेक के साथ। कोई बनाना शेक के साथ जवे खाएगा, कोई दही के साथ जवे खाएगा, कोई बनाना शेक के साथ चने मुनक के मूंग वगैरह जो गलाती हूँ वो खाएंगे। तो वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताएं, अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।